उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत धमचाड़ में बीते रोज बादल फटने की घटना से पंचायत में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। थलतुखोड़ से राजवन तक कई नालों में बादल फटने से नाले उफान पर है, जिस कारण सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं सड़क बड़े बड़े पत्थरों और मलबे में लबालब हो चुकी है। बादल फटने से जहां मानव जीवन को हानि हुई, तो वहीं लोगों के पालतू मवेशी भी इस घटना में दफन हो गए हैं। वहीं बादल फटने से लोगों की जमीन नकदी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से जहां थलतुखोड़ के पास सड़क के किनारे पानी की स्कीम टूट गई है, तो वहीं कई पुलों को भी इस घटना से नुकसान पहुंचा। वहीं थलतुखोड़ में दो घराट बहने का भी समाचार मिला है, जबकि नजदीकी दुकानें भी पानी और मलबे की चपेट में आई है, जिसके साथ ही इस घटना से कई गाड़ियां भी पानी की चपेट में आई है। इस स्कीम सहित अन्य पेयजल योजना को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। थलतुखोड़ से पंजौट सड़क को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिस कारण लोक निर्माण विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं जल शक्ति विभाग पधर के अधिशासी अभियंता अरविंद वर्मा ने बताया कि जल शक्ति विभाग को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोगों को पानी नियमित मिलता रहेगा, पानी की कोई समस्या नहीं है। पंजौट स्कीम को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा, जिसके लिए सामान भी भेज दिया गया है और कार्य जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग झंटीगरी के सहायक अभियंता रूपचंद ने बताया कि विभाग को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विभाग ने थलतुखोड़ के पास पुलों का रेस्टोरेशन का कार्य शुरू कर दिया है। अगर मौसम ने साथ दिया तो सड़क जल्द ही बहाल हो सकती है। मशीनरी ले जाने के लिए पहले पुलों का कार्य किया जा रहा है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।